मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो अभी तक हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम दूसरे सेट की ओर बढ़ेंगे। 2020 का दूसरा सेट और इसका पहला आप 50 क्वेश्चन करेंगे खंडा का। जैसा आप देख रहे हो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन उसके हिसाब से सही होगा। तो कह रहा है एक प्रकाश किरण कौन जो वायु से जल में प्रवेश करता है, किससे जल में प्रवेश करता है बेटा, तो एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम कौन सा है जल, दूसरा माध्यम है जल, परिवर्तित नहीं रहेगी। तो आप जानते हो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आप जानते हो अपवर्तन के समय बहुत सारी चीजें प्रकाश की बदल जाती है, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नहीं बदलती और आपको पता है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन सी है आपको पता है, आप बताते हैं इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इस वाले ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा आवृत यानी फ्रीक्वेंसी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर, क्या होता है या होते हैं दोनों ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या फिर ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर। तो आप जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है बेटा तो आपको पता है एक अवक्षय परत बन जाती है अगर, लेकिन देखा जाए तो अवक्षय परत में आपको पता है कुछ जो आवेश वाहक होते हैं वो दोनों तरफ क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन वहां पर नेट अगर आप देखा जाए तो कोई भी नहीं होते, ना तो इलेक्ट्रॉन होते ना तो कोटर। तो आप जानते हो आपका चौथा बिल्कुल इसमें एकदम सही है, आप जानते हो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर, इसलिए आप चौथे ऑब्जेक्टिव को सही करोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव कह रहा है जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। आप जानते हो अपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा भी होगा, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत का प्रकाश गिरता है तो उस सतह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन आप जानते हो उच्च आवृत का, तो आप जानते हो दी गई तरंगों में सबसे उच्च आवृत की तरंग कौन सी है, पराबैंगनी प्रकाश, कौन सी है बेटा, पराबैंगनी प्रकाश, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यूवी लाइट रेस। क्या बोलते हैं इस पर, यूवी लाइट रेस। तो आप चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। आपका चौथा ऑब्जेक्टिव कह रहा है पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह होता है। तो आप जानते हैं धारा प्रवाह आपको पता है, आपको उसने पढ़ा भी होगा ट्रांजिस्टर में तीन होते हैं, सबसे पहले वाले को आप कहते हो कंडक्टर, फिर उसके बाद वाले कहते हो आप बेस, फिर उसके बाद वाले को आप कहते हो कलेक्टर। क्या कहते हैं बेटा उसके बाद वाले को, कलेक्टर, बेस, कलेक्टर। इसमें सबसे जो पतला होता है वो होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका उत्सर्जक, उत्सर्जक ये आपका होता है आधार, और इसके बाद आपका होता है क्या होता है बेटा, इसके बाद आपका संग्रह। तो आपको बताओ यहाँ से बता देते हैं आधार से धारा का प्रवाह, तो आधार से जो होता है धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है बेटा, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव एकदम एक होगा, यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करें किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 64 सेमी नाम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 4/3। आपने हाइगेंस का सूत्र पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डब्ल्यू, जिसमें आपको लैम्डा दे दिया गया है 64 सेमी, आपको बिल्कुल भी यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एन की वैल्यू 4/3 रखोगे यहां पर 6400/λ इसका आपने जो है यहां पर 4 × 4 = 24 गुणा करोगे तो कितना हो गया 48, इसका मतलब आप जानते हो जल में कितनी हो जाएगी बेटा 48। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर कह रहा है कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्टेज का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली का प्रेरित प्रतिघात क्या होगा, आप जानते हैं जैसे ये कुंडली है, आपको पता है इस कुंडली के सिरों में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल ऐसे दिखा दो ना, कितने वोल्टेज का बेटा 40 वोल्ट हमने जो लगा दिया यहां पर, उसमें जो धारा बह रही है आएगी कितनी बह रही बेटा 80 मिली एम्पीयर की, और आप जानते हो इसका प्रेरित प्रतिघात जिसको आप दिखाते हो किससे दिखाते हैं एक्सेल। तो क्या हो जाएगा बेटा, आप कुछ जानते हो V बराबर I × R ओम के नियम से होता है, लेकिन आप R ना लेके यहाँ पे क्या लेते हो, यहाँ कुंडली के केस में आप लेके लेते हैं एक्सेल, इसको आप बोलते हो प्रेरकी प्रतिघात, इंग्लिश में आप बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। VLV की वैल्यू देखते हैं 40, I की वैल्यू आपको निकालनी 80 मिली एम्पीयर, तो एम्पीयर बनेगा किससे गुणा करेंगे 10 की घात -3 से, तो
यहाँ पे आप क्या देखोगे 80 गुणे रखी घात माइनस 3 गुणे एक्स है। अब आप देखते हैं गुणा का अंतर कर रहे हो और गुणा का अंतर कर रहे हैं कहाँ जा जाएगा भाग में, तो बटे 80 गुणे 10 की घात माइनस का 3 बराबर एक्स है। 40 कम 40 40 गुना 80 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो इसको लिखा जा सकते हैं बटे 2 1000 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5। थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि आप जानते हो जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से बनते हो बिना थ्योरी जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए आपको आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हम अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।